उनका दो भाई थे, उनमें बंटवारा हुआ। तो बंटवारे के लिए क्या था, कहा एक भैंस और एक कंबल। अब इसी का बंटवारा होना था, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा अब आप ही बंटवारा कर दो। तो बड़े भाई ने कहा ठीक है, हम ही बंटवारा किए दे रहे हैं। ऐसा करो, ये जो कंबल है ना, दिन में तुम अपने पास रखा करो और रात में हमें दे दिया करो। तो उसने कहा ठीक है भैया, दिन में हमें हम रख लेंगे, रात में आप ले लेना। कहा अब भैंस का भी बंटवारा होगा। तो बड़ा भाई बड़ा चालाक था, उसने कहा ऐसा करो, भैंस के आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा। उसने जो सुना कि वाह, इसको दिन में भी रात में भी कंबल चाहिए और भैंस के आगे का हिस्सा नहीं पीछे का हिस्सा चाहिए। अब जैसे ही रात्रि हो, बड़ा भाई कहे मेरा कंबल लद्दू, तो छोटा भाई क्या करता, ठंडी के दिनों में उसको देना पड़ता भाई, हिस्सा बंटवारा हुआ दे देता। रात भर छोटा भाई जो है परेशान रहता, बड़े भाई बड़ा भाई तो कंबल में आनंद से, और जैसे सुबह होती लो अपना कंबल ले जाओ। अच्छा भैंस को लगाने की बात आए, तो भैंस का आगे का हिस्सा छोटे भाई का था, सो बेचारा खिला खिला के परेशान। अब पीछे का हिस्सा इसका, सो ये जाके दूध दूह ले। अभी उसने सोचा कि ये भाई है कि कसाई, समझ में नहीं आ रहा करें क्या इससे, तो हम बहुत परेशान हो गए। एक महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी से सारा दुख सुनाया। महात्मा जी ने कान में एक मंत्र दे दिया, कहा ऐसा करोगे समस्या से छुटकारा पा जाओ। अच्छा तो किया क्या उसने दूसरे दिन, कहा दिन में तो कंबल ओढ़ने का मतलब नहीं, रात में ठंड लगती है। तो उसने नांद, समझते जिसमें गाय भैंसों को चारा दिया जाता है, भूसा दिया जाता है, नांद में पानी भरा और उसी नांद में कंबल को डाल दिया। और जैसे शाम का समय आया, बड़े भाई ने कहा कंबल दो, तो उसने कहा ले लो, कहा है, कहा नांद में रखा है। और जैसे नांद से उठाया तो पूरा गीला, कहा ये क्या किए, कहा हम अपने समय में कुछ भी करें, तुम अपने समय में करो। अब तो भैया वो परेशान हुआ, रात में कंबल, गीला कंबल कैसे, कंबल वाली समस्या तो समाप्त, अब भैंस वाली समस्या वाली। तो अब जैसे बड़ा भाई सुबह सुबह उठा और दूध दुहने लगा, तो वो भैंस के सामने डंडा लेकर नचाने लगा। अब महाराज क्या कहना, भैंस के सामने जो डंडा दिखाने लगा, वो बेचारा दूध दुहने को चला, सो डंडा दिखाए। बड़े भाई ने कहा ये क्या कर रहे हो, छोटे ने कहा हम अपने हिस्से में कुछ भी करें, तुम अपना दे। बोल दो महादेव, तो ऐसा तो है आजकल का जमाना भैया, आज भाई भाई की संपत्ति नहीं देख सकता। यदि छोटा भाई ज्यादा बढ़ने लगा तो बड़े भाई को कसक होने लगती है, जबकि बड़ा भाई पिता के समान कहा गया है। पिता पिता को कितना कितनी खुशी होती है जब उसका पुत्र बढ़ता है, तो बड़ा भाई तो पिता के समान है, छोटे भाई की उन्नति में भी उसे प्रसन्न रहना है। कथा सुनना चाहिए, ये राम कथा कृष्ण कथा शिव कथा क्यों है, का ये हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं ना, इसको सुलझाने के लिए। ये भूमि का विवाद अयोध्या में भी हुआ था, ये संपत्ति का विवाद दो भाइयों के बीच में अयोध्या में भी आया था, पर संपत्ति के विवाद को ऐसे समाप्त किया राम जी ने और भरत जी ने। राम जी कहते भैया ये संपत्ति तुम ले लो, भरत जी कहते भैया नहीं नहीं ये संपत्ति आपकी है, आप रख लो। तो इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि संपत्ति सब कुछ नहीं होती है, संबंध श्रेष्ठ होता है।